2001 से की है। तो 2001 से लेके 2007 तक मैंने ट्रेनिंग की है, और ट्रेनिंग के बाद 2007 में जूनियर रावलपिंडी मिस्टर डिवीज़न रावलपिंडी का टाइटल जीता हूँ। 2001 से लेके 2007 तक मैं एक जिम में ट्रेनिंग कराता रहा हूँ, वहाँ मैं उनके पास काम करता रहा हूँ। मेरे उस्ताद अताउर रहमान साहब उनके पास अडियाला रोड पे होते थे। तो उसके बाद फिर मैंने ये किया कि वो ऑक्स जिम ग्रोथी स्टाफ वाला वो ठेके पे लिया मैंने एक साल के लिए। साल वो मैंने ठेके पे चलाया, फिर कुछ दोस्तों से मतलब कुछ उधार ले के कुछ अपनी वो जिम से कमेटियाँ वगैरह डाल के वो जिम मैंने फिर ख़रीद लिया। 2009 में मैंने जिम वो ख़रीदा है। 25 दिसंबर को कंपटीशन मिस्टर रावलपिंडी का आ रहा है, उसमें मेरे जिम में तकरीबन 9 लड़के इस टाइम तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। लेकिन उसमें देखो अब किस्मत किसकी है, कौन सा वो टाइटल जीतता है। में मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी। कंपटीशन हुआ एक जिसमें हमारे जिम ने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे और शौक पैदा हो गया कि मैं अब बॉडी बिल्डिंग करूं, मैं भी अब स्टेज पे कम्पीट करूं। इंशाल्लाह ताला आज इस मुकाम पे होके 25 को मेरा कंपटीशन है। जब ट्रेनिंग कराते हैं तो उससे मसल गेन कराते हैं, क्योंकि एक लंबा पीरियड होता है, शॉर्ट नहीं होता। तो उसमें हम डाइट प्लान पहले मतलब मसल गेन की कुछ अलग डाइट होती है वो कराते हैं, फिर उसके बाद तकरीबन 6 से 8 महीने वो ट्रेनिंग करता है, मसल बढ़ाता है। एंड पे जब हमारे कंपटीशन वगैरह आते हैं उसको गेन करने के लिए फिर डाइट हम चेंज करते हैं, जिसमें मतलब वो कुछ चेंजिंग आ जाती है, कार्ब्स वगैरह बंद हो जाती हैं, तो फिर चिकन और आपके फिश वगैरह अंडों की स्पेशियाँ ये चीज़ें ज़्यादा कराते हैं ना। पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग को ज़्यादा वो स्पोर्ट कोई नहीं करते ना, कोई फेडरेशन हमें स्पोर्ट्स नहीं कर रही। तो अब लड़के को इतनी मेहनत करता है, वो खर्चा भी करता है, एंड पे उसे कुछ मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी लड़के हमारे पीछे हट जाते हैं। लड़के अगर इस फील्ड में आते हैं तो वो ज़्यादातर ये नशे वगैरह हर गलत काम से बीमारियों से बच जाते हैं। अब आप देख लें कि जब भी आप किसी मतलब आजकल हर डॉक्टर आपको मशवरा एक्सरसाइज का देता है, तो काफ़ी अच्छी फील्ड है। मैं तो यही सब नौजवानों को यही मशवरा दूंगा कि एक्सरसाइज लाजमी करें, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि आप स्टेज पे ही जाएं, अपनी फिटनेस के लिए करें। अच्छा काफ़ी इश्यूज थे मुझे, और काफ़ी डॉक्टर्स के पास और डिफरेंट किस्म की मेडिसिंस मैं यूज़ कर रहा था, बल्कि यहाँ तक कह लें कि डॉक्टर्स ने मुझे तकरीबन एडिक्टेड एक पेशेंट जो था वो डिक्लेयर कर दिया था, जो एडिक्टेड थे, ड्रग एडिक्टेड थे। और उन लोगों को भी मैंने इस चीज़ के ऊपर उनको मैंने कन्विंस किया कि वो आए और अपनी जो है ना आके इस तरह की डेली लाइफ को चेंज करें, और यकीन जाने कि वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बने। और उन लोगों ने भी तकरीबन जो है 4-6-8 महीने से वो वर्कआउट कर रहे हैं। कि नेचुरल डाइट जब तक आप करते हो, स्टेरॉइड्स तो उसका मैं मशवरा ही नहीं देता, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। अब नेचुरल डाइट पे चलोगे तो इंशाल्लाह मतलब लंबे पीरियड तक चल सकते हो आप। बेसिकली स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स में एक तो इम्यूनो सप्रेशन है कि इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है। सेकेंडली स्टेरॉइड है तो आपको जो मसल है उसको हाइपरट्रॉफी कर देते हैं, मींस के मसल्स मोटा होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी बनाने में वक्ती तौर पे टेंपरेरी तो उसके फायदा हो जाता है कि मसल्स प्रोटीन्स बन जाते हैं, जेनेटिक चेंज की वजह से बॉडी बिल्डिंग बिल्ड हो जाती है। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इम्यूनिटी कम हो जाना तो फिर ऊपर से बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर जिम को छोड़ दें तो फिर उसके बाद मसल्स पे बिल्कुल रिएक्शन होता है, उसका अपोजिट इफेक्ट है।